नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत। आज लोकवाणी न्यूज़ से आप देख रहे हैं खास खबर। आज पहुंचा हूं टटीरी में। टटीरी में जिस तरीके से आप सभी जानते होंगे कि रेलवे के द्वारा जो अतिक्रमण है उसको देखते हुए एक नोटिस जो है यहां पर भेजा गया है। आइए कि उस नोटिस के बारे में भी जानेंगे यहाँ के जो व्यापारी हैं उनके माध्यम से, जो अध्यक्ष हैं उनसे। सबसे पहले हम आपको वो मार्केट दिखाना चाहेंगे जिस मार्केट को लेकर के यहाँ पर अतिक्रमण भेजा गया है। जैसे देख सकते हैं आप, दूर से दूर तक यही है वो पूरी मार्केट जो अतिक्रमण के दायरे में आ रही है, जिसमें रेलवे ने साफ साफ कहा है कि इस पूरी मार्केट को जो है खाली किया जाए, या इस तरीके से जो है नोटिस आया। क्या कुछ आया है उनसे ही जानेंगे पूरी बात की, आखिर क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं अपने लाइव लोकवाणी न्यूज़ टीवी पर। जैसे कि देख सकते हैं आप, हमारे साथ में अभिमन्यु जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। जी बाबूजी, आपका नाम? अभिमन्यु गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार संघ अग्रवाल मंडी टट्टीरी, लाला लाजपत राय मार्केट। करीब 78 वर्ष पूर्व छोटी रेलवे लाइन ने हम दुकानदारों को किराएदार के रूप में ये जगह अलॉट की थी। लगभग 180 दुकानदार हैं जो जिनके पास बाकायदा रसीद है, अलॉटमेंट लेटर है, और 1991-92 तक सब ने पूरा किराया जमा किया है। 1992 में एक रेलवे ने का आदेश पारित किया था कि सभी को 20% सर्किल रेट का किराया देना पड़ेगा और 10% हर वर्ष उसमें बढ़ोतरी देनी पड़ेगी। तो उसको पूरे हिंदुस्तान में सभी जितने भी किराएदार हैं रेलवे के, सब ने असमर्थता जताई थी। उसके बाद में रेलवे ने पूरे हिंदुस्तान में किसी से भी कोई किराया लेना बंद कर दिया। और हमने 2001 में कमर्शियल मैनेजर रेलवे, उनसे अनुरोध किया जाकर कि भई आप हमारे से किराया ले लीजिए, पुरानी दर से ले लीजिए। तो उन्होंने हमें कहा कि आप पुरानी दर से ड्राफ्ट बनवा कर ले आइएगा। तो हमने 121 व्यापारियों के ड्राफ्ट बनवा कर कमर्शियल मैनेजर रेलवे दिल्ली जमा करा दिए। उनकी सबकी हमारे पास फोटोकॉपी रसीद सब उपलब्ध है। उसके बाद भी हम 4 साल पहले रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी से मिले, उसके बाद में 2 साल पहले पीयूष गोयल जी से, डॉक्टर सतपाल सिंह जी के माध्यम से मिले। सभी से हमने एक ही अनुरोध किया है कि हमारे पुरानी दर से हमारा किराया ले लिया जाए, हम सब किराया देने के लिए तैयार हैं। हम कोई भी अतिक्रमण नहीं है, सब LOT लाइसेंसधारी सब किराएदार हैं रेलवे के, लेकिन कुछ लोगों ने अपने जितना अलॉटमेंट है उससे ज़्यादा कब्जा कर लिया है खाली देखकर। उसके लिए भी हमने परसों मीटिंग की थी व्यापारियों की, और सबसे अनुरोध किया है कि 1-2 दिन में सब वो जो फालतू अलॉटमेंट से ज़्यादा जगह है उसे खाली कर दें। और परसों संभवतः मंगलवार को डॉक्टर सतपाल सिंह जी, सांसद जी का यहाँ अग्रवाल मंडी टटरी में कार्यक्रम भी अभी कुछ क्षणों में फाइनल हो जाएगा। तो उनको भी हमने सारा जो है सारा उनके संज्ञान में मामला है। ये 2 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन से पहले हमारी अधिकारियों से पूरी तरह बातचीत हो गई थी कि हम एक सीमा रेखा तय कर देंगे, उसके बाद में आपको ही अतिक्रमण नहीं रहेगा। तो लेकिन वो लॉकडाउन लग गया और 31 मार्च के बाद जो है इसमें हमारी बातचीत फाइनल होनी थी, तो 23-22 तारीख में लॉकडाउन लग गया, तो वो बातचीत रुक गई थी। अब दोबारा से हम अधिकारियों से और रेल मंत्री से, माननीय सांसद जी के माध्यम से ये सारी मामले को रखेंगे, और जो भी न्यायपूर्ण कार्रवाई के हम समर्थन करते हैं, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उसको हम स्वतः हटवा देंगे, और जो बाकी, लेकिन सब लोग किराएदार हैं, वैसा कोई अतिक्रमण नहीं है कि हमने नाजायज कब्जा नहीं कर रखा किसी ने भी। हाँ, यानी आपके पास में जो आपका कहना है कि आपके पास में इन सब चीज़ों के दस्तावेज हैं, आपके पास में लिखित में सब चीज़? हाँ, सब चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। रेलवे अधिकारी अभी 3 महीने पहले आए थे, उन्हें भी हमने दस्तावेज दिखाए थे, कोई भी अनऑथराइज नहीं है सबके पास। ये ज़रूर है किसी के पास 40 गज का अलॉटमेंट है, उसने 10 गज और घेर रखी है, तो लेकिन वो हटा देंगे सब लोग जो है, सब लोग उसमें हटा कर सहयोग देंगे, उसमें कोई हमारा कब्जे का कोई मन नहीं है किस तरह का भी, लेकिन कोई भी अनधिकृत नहीं है, सभी लोग जो है LOT है। ये ज़रूर है हमारे पिताजी के नाम, हमारे बाबा के नाम अलॉटमेंट हुआ था, आज वो दुनिया में नहीं है, तो उनकी जगह वो अब सर्वे पे आए थे, तो सर्वे पे तो जो है उन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं, उस आधार पे उन्होंने नोटिस भेज दिया, आप तो जो है ठीक आपने कब्जा कर रखा है। भाई हमारे मेरे स्वयं के पिताजी के नाम भी एक दुकान अलॉट है, तो मेरे पिताजी तो दुनिया को छोड़े हुए 30 साल हो गए, तो फिर अब मैं उनका बेटा हूँ तो मैं मालिक हूँ उसका। तो ये इस तरह की स्थिति है ज़्यादातर दुकानदारों की। तो यानी कि आपका कहना है कि कहीं ना कहीं जो रेलवे के पास में जो जानकारी है वो अधूरी जानकारी?
हाँ अधूरी है या उनको पूरी जानकारी दी नहीं गई है या उनके पास दस्तावेज नहीं है, लेकिन हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, हमारे पास सब दस्तावेज हैं, उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। हाँ तो आपकी तरफ से जिस तरीके से हमने सुना है कि मीटिंग भी आपकी हुई है व्यापारियों के साथ में, तो उसको लेकर के क्या कुछ? मीटिंग में तो हमने सभी व्यापारियों से अनुरोध किया है कि जिनके पास अलॉटमेंट से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा है उसे 2-3 दिन में तुरंत हटा लें, अपने आप हटाना शुरू कर दिया। आज अगर आप जाओगे पीछे तो वो प्रक्रिया जारी है। हम कोई भी ये नहीं चाहते कि हम जितना हमारा हक है हम वही चाहते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो जिस तरीके से आपने साफ साफ सुना है जिलाध्यक्ष यहाँ से व्यापार संघ के, और इनका साफ साफ कहना है कि खास अपना एक मान सम्मान भी रखते हैं, सुप्रसिद्ध समाज सेवी के तौर पे भी इनको जाना जाता है यहाँ से, इनका साफ साफ कहना है कि हमारा किसी भी तरीके से जो अपना जो जायज़ है उसके अलावा किसी भी अतिक्रमण करने की हमारी कोई भी जो है वो नहीं है, हम अतिक्रमण के उसमें नहीं है, लेकिन जो हमारा है हक जितना है उसको तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की भी उन्होंने बात की है रेलवे के अधिकारियों के साथ में। तो नमस्कार, लोकवाणी न्यूज़ पर ये साफ खास खबर आपके देख रहे थे, किस तरीके की मनगढ़ंत बातें भी बताई जा रही थी, ये होगा वो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने साफ सुना। नमस्कार, जय हिंद।